हे राम राम जी, कैसे हैं सब। तो आज है 25 मार्च 2024। तो आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं होली। तो आज होली का पावन पर्व है और आज हम सब खेलने वाले हैं रंगों से। रंगों से एक दूसरे की जिंदगी में हम खुशियां भरने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी बने रहें इस व्लॉग में और देखें कि होली का सेलिब्रेशन हमने कैसे बड़ी धूमधाम के साथ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टास्क रहेगा, हमारा ये रहेगा कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं अपनी स्किन को, क्योंकि जो आजकल जो केमिकल्स वाले जो कलर्स आ रहे हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं हमारी स्किन के लिए। तो सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को एक तरीके से एक कोटिंग देनी होगी। हम ऑयलिंग अपने बॉडी पे करेंगे जिससे जो हमारा कलर्स हैं वो कलर्स हमारे लिए डेंजरस ना हो। तो सबसे पहले हमारा टास्क रहेगा कि हम जल्द से जल्द अपने आप को कवर कर लें और उसके बाद हम फुल ऑफ जॉय के साथ, कलर्स के साथ खेलने वाले होली। किसके साथ? अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आप सभी को इसमें बहुत इन्जॉय आने वाला है कि कैसे हम होली का सेलिब्रेशन करते हैं और कितना मज़ा आने वाला है। तो बने रहिए और चलते हैं सीधा अपने टारगेट पॉइंट पर। किसी न किसी को अपना टारगेट बनाते हैं और मज़े लेते हैं और ट्राई करेंगे हम कि हमें कम से कम कलर लगे और सामने वाले को हम अच्छे से रगड़ दें। तो चलिए चलते हैं, जल्द से जल्द हम बस अब रेडी हो जाते हैं। रेडी होने के बाद हम होली खेलना स्टार्ट करते हैं। होली का जो हमारा पावन पर्व, हमारा जो आज का टारगेट रहेगा उसके अंदर ये रहेगा कि हम अपने आप को कम से कम कलर लगने दें और सामने वाले को हम ज़्यादा से ज़्यादा कलर लगाएं, जिससे एक तरीके का गेम भी हो जाएगा इसके साथ कि हमें कलर नहीं लगा और सामने वाले को हमने इतना कलर लगा दिया। होली का बेसिकली जो ये पर्व है वो सेलिब्रेट किया जाता है हमें खुशियाँ बांटने की। तो कहते हैं कोई भी शुभ काम करने से पहले सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद ले लेना ज़रूरी है। तो होली का त्यौहार हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं लॉट्स ऑफ कलर्स, गुंजिया और भगवान के आशीर्वाद के साथ। तो सबसे पहले भगवान का मुंह मीठा करते हैं हम अपने इष्ट देव का कि हे प्रभु, आपको ये त्यौहार मुबारक हो। इस त्यौहार को आप हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए मंगलमय लेके आए, सबके लिए खुशियाँ लाएँ ढेर सारी। तो जोर से बोलो जय माता दी और प्रेम से बोलो जय माता दी। सभी भगवानों को मेरा नमन है और सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आप सभी से आशा करता हूँ कि आप भी प्रेम से बोलें कमेंट बॉक्स में जय माता दी। तो सभी भगवानों को होली मुबारक हो और आप सभी हमारे दर्शकों को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह का मौसम देखिए, एक मौसम में एक अलग ही अंदाज है, एक अलग ही तरीके का नशा है। लगता है जैसे कि कुदरत भी हमारे साथ आज होली खेलने के मूड में है। तो दोस्तों, पेश है आप सभी के लिए गर्मा गर्म गुंजिया, मीठी मीठी स्वादिष्ट गुंजियों से आप सभी का स्वागत है। आप सभी का मुंह मीठा कराया जाता है। हैप्पी होली। होली भाई, होली। क्या हो रहा है? पालक किसके लिए? पकोड़े बनाएंगे। पालक के पकोड़े? तो दोस्तों तैयारी हो गई हमारे पालक के पकोड़ों के लिए। पहले हमने गुंजिया खाई और अभी पापड़ खाए और हमारे अब पालक के पकोड़ों की तैयारी हो रही है। पालक को उसके लिए सबसे पहले हम उबालना स्टार्ट कर दिया है। मैंने वो पालक पनीर बनाऊंगी। अच्छा, वो पालक पनीर बनेगा। हाँ। और ये पालक के पकौड़े बनेंगे। तो दोस्तों पालक पनीर और पालक के पकौड़े दोनों तैयारी जोरों शोरों से है। तो जैसे ही बनता आपको हम ये दिखाएंगे और होली के इस पावन पर्व पे हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों हम रास्ते से गुजर रहे थे और हमने एक जगह देखा कि ये शख्स कैसे अपने त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहा है। एक अलग ही अंदाज में ये गानों का लुत्फ ले रहा है और इनके ठुमके देख के हमारे भी जीवन में एक अलग ही उमंग आ गया और इसको देख कर मैं खुद को रोक नहीं पाया अपने इस व्लॉग में ऐड करने से।
सो आप भी इनके डांस का लुत्फ़ उठाइए, कैसे ये शख्स ठुमके लगा रहा है। क्या रहने दे, जाएगी वो सारे में पैर छपती हुई जाएगी। ये तुम्हारी चोट किसने मारी? पाई वाली होली। इन्होंने उंगली तो उधर करी है। इन्होंने मारी इन्होंने। अभी भी इनको इनका फेस बहुत साफ लग रहा है। अच्छे से नहीं गई, बहुत बुरे हो तुम बेवकूफ हो। ये देखो कितना अच्छा कलर दे रही हूं। पकड़े भाई, उनकी आंखें उठी भरी भी है। आ जाओ भाई, दो दो कलर है। कौन खिलाड़ी है? कौन आओ अब इससे ज्यादा और क्या और क्या ही होगा। ला दे क्या अब तो कलर का हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ना। पानी ले लो, ये रखा पानी। पापा ने भी तो नहीं लगाए। सही बात है, पर पीछे मत हो। तुम भी लगाओ ना, धन्यवाद से काम थोड़ा चलेगा। ये दौड़ना बात होती है इतनी इंसानों से। सही बात, खेलें। ये आपकी बच्ची नहीं है, करो इसको भी करो। ये भी हाँ, यही है सबसे ज्यादा लाडली है। पानी मत करो। ये क्या हो रहा है? गंगा जल छिड़क रहे, गंगा जल छिड़क रहा है। वो रहने दीवारों में छिड़ जाए। हो गया बदतमीज का। एक काम करे, गीला कपड़ा बांध देना। खुश हो रहे पक्का? पानी नहीं लगा, सेल्फी ले लेते हैं। अब सेल्फी ले लेते हैं। ऐसे ऐसे एकदम इतने शरीफ बालक भाई साहब दोनों में समा रहे हैं। तो और क्या, मारम पिट्टी करे हम। आता पाई वाली नहीं खेलता। यो ही बात। ये भाई स्माइल 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 भैया जी, स्माइल ये एक दूसरे को नहीं मारो। टीना तेरी बहन आर की जा, इसको तू दिखा दोनों दम। इनको ज़्यादा हो गया कुछ कि लो जी लो। अभी एकदम परफेक्ट। पीछे मत जाओ आप। येलो मेरे साथ हो गया। येलो नहीं है, येलो नहीं है, ग्रीन भी नहीं, ग्रीन लेके ओ ये कलर मस्त है। ये सबको लगाना, मुझे रिकॉर्डिंग देख बे। तू तो कलर वाला पता नहीं कहां घूम रहा है। मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही हो यार। तू तो कलर लगाने को मना ही नहीं कर रहा, पानी के लिए मना कर रहा। तू पहले बता दी। अच्छा दूसरी डिब्बी जो है ना डार्क कलर वाली, वो निकाल थोड़ा ही तो मांगा था। अरे बच्चा अभी काम आएगा वो, तू क्या चल चलो कलर नहीं आएगा। नहीं येलो नहीं है ना। भाभी सूखी सूखी है, शादी को छोड़ के भाभी पे आओ।
यार बाबे के लिए साले को नहीं छोड़ देंगे जैसे यार नीचे लेके चलो थोड़ी देर तब मैं गर्द में ठहल के उड़ जाएंगे ना तभी कह रही हूँ चाचा जी लगाओ आपने पूरा वाला पीछे गंदा कर दिया है हेलो दोस्तों, फाइनली हमने होली खेल ली है और जैसे कि आपने देखा हमने बहुत अच्छे से फन किया और अब हम रेडी हो गए नहा धोकर और आप देखिए कि अभी भी मेरे फेस पर ये कलर अभी तक नहीं गया और मेरे हाथों से अभी तक ये कलर नहीं गया है। तो हमने कलर से खेले तो बहुत अच्छे तरीके से थे लेकिन जैसे ही कहते हैं कि कलर से खेलने में तो बहुत मज़ा आता है पर उतारने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है। तो बहुत मेहनत के बाद बाकी पूरे फेस से तो मैंने कलर हटा लिया है बट स्टिल मेरे अभी फेस पे ये स्पॉट रह गया है जो मैंने काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी अभी तक ये कलर नहीं गया है। सेकेंडली अब हम चलते हैं अपने डिनर की तरफ। डिनर में देखते हैं क्या कुछ बन रहा है, हमारे किचन की तरफ चलते हैं, देखते हैं किचन में क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा और सोच तो रहा हूँ कुछ हल्का हो जाए पर देखते हैं नीचे क्या कुछ किचन में हमारे प्रिपेयर किया जा रहा है। सो देखते हैं किचन में क्या कुछ प्रिपेयर किया जा रहा है। सो आपको सीधे ले चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली रात हो चुकी है, होली वाले दिन अब रात हो चुकी है, फिर से हम अभी पकोड़े ही बना रहे हैं। अभी गर्मा गर्म ये हरी मिर्च के पकोड़े बन रहे हैं और ये पनीर के पकोड़े बने हमारे, देखिए कितने क्रिस्पी पकोड़े हमारे बने हैं और ये यहाँ पर हरी मिर्च के पकोड़े तैयार हो रहे हैं। अभी और भी हरी मिर्च के पकोड़े आने बाकी हैं और उसके बाद पालक के पकोड़े बनने वाले हैं और वहाँ पर हमने बना रखा है पापड़ आपके लिए। तो फाइनली होली का जो त्यौहार है हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर लिए होली हमने, उसके बाद हम रात के डिनर की तैयारी कर रहे हैं। तो पकोड़े बन रहे हैं, तो ये क्या सूजी के पकोड़े बन रहे हैं? ठंडे पानी में नहाए हैं, होली खेले खूब जोर शोर से, तो अब चाय पी लें गर्म गर्म पकोड़ों के साथ, तो गर्म गर्म पकोड़े बनाए जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स होली इंजॉय, हमारी माँ के अकॉर्डिंग अगर पकोड़े बन रहे हैं तो एंजॉय हो रहा है, तो ये गर्मा गर्म पकोड़ों को तला जा रहा है। तो आप सब बताइए कि आपने होली का सेलिब्रेशन कैसे किया, रात को डिनर में क्या कुछ आपका स्पेशल बना, तो बने रहिए। ये गर्मा गर्म हरी मिर्च के और पनीर के पकोड़े आ गए हैं और हमारे पास, उसके बाद पालक के आएंगे। सो फाइनली दोस्तों हमने डिनर भी कर लिया है और हमने अच्छे से एक होली का फेस्टिवल अपने पूरी फैमिली के साथ बनाया है और बहुत इन्जॉय किया है और उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग के अंदर बहुत अच्छा लगा होगा, आपने फील किया होगा कि कैसे हमने अपना इन्जॉय किया और आशा करता हूँ कि आपने इससे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में लिंक किया होगा कि आप भी कैसे इन्जॉय करते हैं, कैसे कल्चर डिफरेंट है या सेम है, या आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका जो कल्चर है वो हमारी तरह ही है या सेम है, अपने तरीके बताना मत भूलिएगा। तो आज का हम ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सो सारे आने थैंक यू, आपने ये ब्लॉग पूरा देखा और आशा करता हूँ कि आपको इस ब्लॉग में बहुत कुछ देखने के लिए मिला होगा जो अपने बहुत अच्छे से इंजॉय किया होगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ इस ब्लॉग को शेयर करना मत भूलिएगा और आप क्या करते हैं कैसे नहीं करते पूरा आप चाहे तो कमेंट में शेयर कर सकते हैं कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप कैसे होली का सेलिब्रेशन करते हैं, या आप कमेंट में बताइएगा हमें ज़रूर। और लाइक करना मत भूलिएगा और आप अभी तक अगर चैनल पर बने हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय बाय, हैप्पी होली टू ऑल।